Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will study about the remaining part of projectile motion, in which first we will see time of flight of projectile. So what is time of flight of projectile? Total time taken by a projectile to come back to Earth's surface is called time of flight of projectile. That means प्रोजेक्टाइल को अर्थ सरफेस से थ्रो करने के बाद वापस अर्थ के सरफेस तक आने में जितना समय लगता है उसे ही हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो आइए हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें। दिस इज ए अर्थ सरफेस और ये एक बॉल है जिसको एक इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं यू से इसको हम थ्रो करते हैं और थ्रो करने के बाद वापस इसको अर्थ सरफेस में आने में जितना समय लगेगा उसे ही हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो इस बॉल को इस अर्थ सरफेस की स्पाइन से वापस इस पॉइंट तक आने में जितना समय लगा यही इसका क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो आइए हम इसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। तो सिंस वाई टी इज इक्वल टू यू वाई जीरो टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन है। इसका ये टू डायमेंशनल फॉर्म है जिसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए इसका वैल्यू पुट करें। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यदि टी टाइम में वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस वाई है तो इसकी जगह हम वाई पुट कर देते हैं। यू वाई जीरो, यू वाई जीरो मतलब वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। तो यदि जो बॉल हमने थ्रो किया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाए और इनिशियल वेलोसिटी यू हो तो यू वाई जीरो इज इक्वल टू होगा यू साइन थीटा ये टी, और चूंकि ए वाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसलिए उसकी जगह में हम माइनस जी पुट करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ऊपर की ओर थ्रो हो रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फोर्स डाउनवर्ड्स लगती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। अब व्हेन ऑब्जेक्ट रीच टू अर्थ सरफेस देन वाई इज इक्वल टू जीरो, जब ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पे रीच होता है तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए हम इक्वेशन में वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। तो जीरो पुट करने पर हमारा इक्वेशन नंबर वन क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको फिर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे हम देख रहे हैं कि इस राइट साइड में दोनों टर्म में टी है, इसमें टी है और इसमें टी स्क्वायर है और लेफ्ट साइड में क्या है जीरो है, तो दोनों टर्म से एक टी को हम हटा सकते हैं। तो आइए देखें हम, तो एक टी दोनों टर्म से हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। अब इस इक्वेशन से हम टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी हो जाता है। अब यही क्या चीज है, यही टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। इस प्रकार ये हुआ आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। दैट मीन्स अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में ऑब्जेक्ट के द्वारा या प्रोजेक्टाइल के द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो आइए हम देखें इसको, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम थ्रो करते हैं तो ये इस पॉइंट पर मिलती है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और यही क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो हम इस कैपिटल आर की वैल्यू डिराइव करेंगे। आइए हम देखें कैपिटल आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट करके हम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट मींस वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू यदि यू हो और वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाए तो वेलोसिटी की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी वो क्या होगी, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने अभी निकाला टू यू साइन थीटा बाई जी।
तो इस प्रकार दोनों को हम इस दोनों की वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये एक फार्मूला के फॉर्म में है, जैसे साइन 2 साइन ए कॉस ए इसका वैल्यू होता है साइन 2 ए के, तो उस फार्मूले का यदि हम यूज करें तो ये हमारा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा के जगह में हो जाता है साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यही क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू है, तो r इज इक्वल टू हुआ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले को देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो, इसका वैल्यू मैक्सिमम हो, और वह मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये 1 होगी, तो r मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगा u स्क्वायर बाई जी। तो आइए हम देखें कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और ये sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, और इस कंडीशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या होगा u स्क्वायर बाई जी। तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू है u स्क्वायर बाई जी, और ये कब मैक्सिमम होती है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है पाई बाई 4 हो या 45 डिग्री हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अर्थात जब प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाती है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्या चीज है, मैक्सिमम हाइट कवर्ड इन वाई डायरेक्शन बाई द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आइए इसके लिए भी हम एक फार्मूला डिराइव करें। तो हमारा ये डायग्राम है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से थ्रो करेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उसके बाद वापस अर्थ सरफेस पे आती है। तो हमारा ये मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे है, और मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या है, कैपिटल एच है। तो इस कैपिटल एच की वैल्यू हम डिराइव करते हैं। तो कैपिटल एच की वैल्यू डिराइव करने के लिए हम पहले देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट पर जब ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल पहुंचती है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी की जो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, वो क्या होगा जीरो हो जाती है। मान लेते हैं टी टाइम पे वो कहाँ पे पहुंचती है, मैक्सिमम हाइट पहुंचती है, तो उस स्थिति में यू वाई टी इज इक्वल टू जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, और जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या है माइनस जी है। एंड अगेन लेट वाई टी इज इक्वल टू एच, अर्थात टी टाइम पे वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है एच है, तब हम इक्वेशन यू वाई टी इज इक्वल टू यू वाई जीरो प्लस ए वाई टी, अर्थात इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम आगे टी की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसमें वैल्यू पुट करें यू वाई टी इज इक्वल टू जीरो और यू वाई जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब टी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, अर्थात जो ऑब्जेक्ट है वो टी टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, टी टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है। तो आइए हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन कब यूज करते हैं, वाई टी इज इक्वल टू यू वाई जीरो टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यहाँ भी वैल्यू पुट करें तो वाई टी की वैल्यू टी टाइम पे, वाई टी की वैल्यू क्या है एच है, कैपिटल एच हमने फिगर में बताया है। तो एंड यू वाई जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू हमने अभी निकाला है यू साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ, और ए वाई की वैल्यू क्या होगा माइनस जी, और टी की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा बाई जी, और टी का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर एच की वैल्यू आती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। यही क्या है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूला है, दैट मीन्स एच की वैल्यू है। यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे हैं कि एच की वैल्यू जो है साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगा, दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, और इस मैक्सिमम वैल्यू पर एच की वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगी, वो क्या होगी यू स्क्वायर बाई 2g। तो आइए हम देखें कि फॉर मैक्सिमम एच, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, और ये कब होती है
जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, और ये 1 के इक्वल कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, दैट मींस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब 90 डिग्री हो या पाई बाई 2 हो, तो उस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम, दैट मींस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद किसी टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है। तो इसके लिए हम एक फिगर ये ड्रा कर लेते हैं। इस फिगर के अनुसार ऑब्जेक्ट को पॉइंट ओ से हम इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो करते हैं और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा है। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि है यू कॉस थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि है यू साइन थीटा। और ये ऑब्जेक्ट थ्रो करने के बाद पॉइंट बी पर वापस अर्थ सरफेस पे आ जाती है, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही बनती है। ठीक है, अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है टी टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंचती है और इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है, वी है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेते हैं वी है, तो इस वेलोसिटी इस पॉइंट पर भी इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मान लेते हैं कि इस वेलोसिटी वी का वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी एक्स। तो इस वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और ये कितने टाइम के बाद आ रही है, टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पे आ रही है और इसकी वेलोसिटी है वी, और जिसके ये दो कंपोनेंट है वी एक्स एंड वी वाई। तो आइए हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मोशन इन एक्स डायरेक्शन, दैट मींस इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन एक्स डायरेक्शन के लिए हम यूज करें, तो वो इक्वेशन क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स जीरो प्लस ए एक्स टी। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर दें, तो ये वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स जीरो, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये क्या है, यू कॉस थीटा। और चूंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो रहता है, इसलिए सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा और वी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, u cos थीटा। सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, और ये इसको हम इससे पहले हम दे दें इक्वेशन नंबर टू। तो हम देखते हैं सिमिलरली फॉर द मोशन इन y डायरेक्शन वी गेट, तो y डायरेक्शन के लिए हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई जीरो प्लस ए वाई टी। अब इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई जीरो, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जी। तो ये सेकेंड टर्म हो गया माइनस जी टी। तो ये हो गया टी टाइम के बाद वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और ये है टी टाइम के बाद वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम देखते हैं कि टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वी, उसको हम उसकी मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम उसका मैग्नीट्यूड प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर टू और थ्री से वी एक्स और वी वाई की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर फोर में। तो इक्वेशन नंबर फोर में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें वी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। फिर आगे हम इसको सॉल्व करें, तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। फिर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म में जो यू स्क्वायर है वो कॉमन है, तो यू स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो ये टर्म यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि वन के इक्वल होता है। तो इस प्रकार इसको आगे सॉल्व करें, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा प्लस यू स्क्वायर। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम। तो इस फार्मूले का यूज करके हम टी टाइम बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं।
आइए हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम। तो टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारा ये डायग्राम हुआ और ये मान लेते हैं हमारा वेलोसिटी है v और ये एक्स डायरेक्शन से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाती है। तो अल्फा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन अल्फा की वैल्यू निकालें। तो हैंस टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई और वी एक्स की वैल्यू हम डिटरमाइन कर लिए हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और वहां से अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स से वी वाई और वी एक्स की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। इससे पहले हम वी वाई और वी एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये वी वाई और वी एक्स की वैल्यू पुट करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें इतना ही। इस वीडियो को बनाने के लिए, इस पीपीटी को बनाने के लिए हमने विकिपीडिया, इंटरनेट, एनसीईआरटी 11 बुक्स और यूनिवर्सिटी फिजिक्स का यूज़ किया है। और आज की क्लास में बस इतना ही। यदि कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।